आशा। हाँ सैम। मुझे तुमसे मिलकर बात करनी चाहिए थी। इस तरह फोन पर मैसेज नहीं करना चाहिए था, पर मैंने सच कहा था। यकीन करो, मैं तुम्हें सच में पसंद करता हूँ। सच में? हम अच्छे दोस्त हैं तो ये थोड़ा अजीब लग रहा है। हाँ, हो सकता है। काश मैं तुम्हें बता सकता कि मैं तुम्हारे बारे में क्या महसूस करता हूँ, पर ये मेरे लिए नया है, इसलिए मैं सच में नहीं जानता। मैं नहीं चाहती हमारे बीच कुछ खराब हो। पर मैं नहीं जानती मैं तुम्हारे बारे में क्या महसूस करती हूँ। ये जानने के लिए मुझे थोड़ा सा वक्त चाहिए। बिल्कुल, जब तक तुम कहोगी मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। तुम्हारे साथ कोई जबरदस्ती नहीं है, तुम जब तक चाहो वक्त ले सकती हो। अरे दोस्तों, देखो शीना ने हमारे लिए क्या बनाया है। ओहो, कितना अच्छा लग रहा है, मुझे कितनी भूख भी लगी है। ये कितनी नाइंसाफी है। केक काटने में टुकड़े छोटे बड़े हो सकते हैं, चुपचाप खा लो। वीर, क्या तुम मेरा केक लेना चाहोगे? हाँ आयशा, तुम्हें क्या हो गया? पर मुझे कोई दिक्कत नहीं है। तुम उसे क्यों दे रही हो? खा लो उसे। ये मेरा पीस है, तुम्हें किसी को भी दूँ? हाँ? ये लो। बिल्कुल नहीं, चुपचाप खा लो, ठीक है? मैंने कहा नहीं, मैं ये वीर को दूंगी। खा लो इसे। मैंने कहा नहीं। ये सब क्या हो रहा है? ये क्या मजाक चल रहा है यार? वैसे भी अब ये केक किसे खाना है? आयशा, अब इसे क्या हुआ? ये किस बात पर गुस्सा कर रही है यार? उस बात के लिए माफ करना। ये बहुत बड़ा नहीं है, लेकिन मुझे ये अच्छा लगा, पर मैं ये नहीं ले सकती। सुनो, मुझे नहीं लगता हमारे बीच को रिश्ता बन सकता है, हमें बस दोस्त ही रहना चाहिए। मैं तुम पर दबाव नहीं डाल रहा, और उस बात के लिए सच में माफी चाहता हूँ। पर चाहे तुम मुझे एक दोस्त मानो, लेकिन मेरी भावनाएं तुम्हारे लिए वही रहेंगी। अगर तुम ऐसा कहोगे तो मैं तुम्हारे आसपास नहीं रह पाऊंगी। जब तक ये सब ठीक नहीं हो जाता, मुझे लगता है हमें नहीं मिलना चाहिए। हाँ? अरे रुको, तुम मैच में तो आओगी ना, है ना? हाँ? आयशा, मैं इंतजार करूंगा। मेरा इंतजार मत करना, मैं नहीं आऊंगी। हीरोज कप वॉच कार बैटल लीग, एक शानदार उत्सव। वॉच कार दौड़ प्रतियोगिता में आए सभी लोगों का स्वागत है। चलो वीर, चलो सैम, आज पहला और दूसरा विजेता तुम दोनों ही बनोगे। मेरी आखिरी उम्मीद थी कि तुम आओगी, लेकिन शायद मैं गलत था। सैकड़ों वॉच कार्स प्रेमियों के चुने गए महान योद्धा, तैयार हो जाओ। बैटल मोड शुरू। आज का युद्ध वाकई एक दौड़ का युद्ध होगा, लेकिन खिलाड़ी पावर कॉइन का इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो कौन बनेगा विजेता? अविश्वसनीय और रोमांचक होगा ये खेल। तो खेल शुरू हो। सैम, तुम इस हमले को भी चकमा नहीं दे पाए, मुझे दुख हुआ। मैं शुरू से ही कमजोर नहीं रहूंगा। ध्यान से सैम, ध्यान से। मुझे क्या?
क्या करना चाहिए? क्या मुझे खेल में जाना चाहिए? अगर मैं आज नहीं गई तो सैम मुझसे दोबारा कभी नहीं मिलेगा। मुझे नहीं पता मैं क्या करूं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। सैम सच में मेरा अच्छा दोस्त था, क्या मैं सैम के साथ सख्ती कर रही हूँ? आयशा संभल के। संभालो खुद को, ये तुम्हारी गलती कैसे है? ये उस झूठे धोखेबाज साहिल की वजह से है। रोना बंद करो ना। सैम मेरे साथ हमेशा से अच्छा रहा है, मैं उसके साथ ऐसा नहीं कर सकती। सोना चलो स्टेडियम चले। टाइगर की धीमी रफ्तार का कुछ नहीं कर सकते, लेकिन उसके पास एक शक्तिशाली तोप है। चलो इन सबको एक एक करके खत्म करते हैं। ये क्या हुआ? किसने हमला किया पीछे से? टाइगर बड़ा और धीमा है तो उसे कम मत समझना। हम भी, तुम भी ये समझ लो। क्या हुआ? नहीं, हम भी। वाह, टोनी ने एक के बाद एक दो वॉच कार्स को खत्म कर दिया। इससे वो चौथे नंबर पर पहुंच गया है। अब उसे जीत रहे खिलाड़ियों का मुकाबला करना है। उधर बाकी खिलाड़ियों के बीच मुकाबला शुरू हो गया है। ये बहुत परेशान कर रहा है, अब तुम्हें यहाँ से जाना होगा। और ब्लड ने ब्लूविल और एवान पर एक साथ हमला किया और पहले नंबर पर बरकरार है। ब्लूविल को चोट लगी है और टाइगर के बहुत करीब है चौथे नंबर पर। नहीं, मैं इस तरह पीछे नहीं रह सकता। ब्लूविल बूस्टर सक्रिय हो। क्या सोच रहे हो? तुम तो गए। साइक्लोप्स बीम आक्रमण। और टोनी पलक झपकते ही तीसरे नंबर पर आ गया है। आप लोग भी देखिए, अब वो एवान की जगह दूसरे नंबर पर जाने को तैयार है पूरे आक्रोश के साथ। अब जल्द ही तुम भी बाहर होगे। सपने मत देखो। नहीं नहीं। कैसा लगा? तुम जिस लायक थे तुम्हें वही मिला है ना? ओह, मैं खेल से बाहर हो गया। ओह, ब्लूविल ने टाइगर को बाहर कर दिया और अब वो तीसरे नंबर पर है। पर इतनी दूरी से ब्लड और एवान तक पहुंचना मुश्किल है, वो कैसे करेगा? अब आखिरी लैप बचा है और सैम, क्या वो ब्लड को टक्कर दे पाएगा? ये जीतने का आखिरी मौका है, मुझे जीतना ही है चाहे जो हो जाए। तुम्हें लगता है इस रफ्तार से तुम जीत सकते हो? मैं दिखाता हूँ क्या होती है रफ्तार। और ये आया नील, खेल के आखिरी वक्त में अपनी रफ्तार बढ़ाते हुए। हाँ, मैं उसका मुकाबला नहीं कर सकता, ये मेरी सीमा है। सैम, ये तुम क्या कर रहे हो? तुम हार नहीं सकते, अपने हुनर से तुम ये मैच जीत सकते हो, तो चलो जल्दी। आयशा तुम आ गई। आगे बढ़ो सैम, बेहतरीन खिलाड़ी सैम। सैम! आयशा, ठीक है, खेल अभी शुरू हुआ है। एवान, बूस्टर को शुरू करो। वहां पहुंचना मुश्किल है, पर मैं नील को बिल्कुल नहीं जीतने दूंगा, बिल्कुल नहीं। ब्लूविल, ब्लू पल्स गन, आक्रमण! वीर, क्या कर रहे हो? ओ, ब्लूविल के हमले से ब्लड घबरा गया है। एवान ये मौका नहीं गंवा सकता, वो आगे बढ़ रहा है। समाप्ति रेखा बस आ ही गई है, कौन होगा विजेता? ओ, एवान ने कर
दिखाया, अविश्वसनीय। सैम और एवान ने ऐसा अजूबा कर दिखाया और आखिर जीत गए। सैम, 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 बहुत अच्छे, तुम जीत गए। हाँ, बहुत शुक्रिया। ये इस वीर की चालाकी की वजह से हुआ। मैं एक दिन बदला जरूर लूंगा। आयशा, आने के लिए शुक्रिया, तुमने मुझे बहुत हिम्मत दी। तुम्हारा मैच शानदार था, तुम बेहतरीन हो। सैम छा गया। आयशा, क्या तुम सिर्फ मेरे लिए आई हो? एक मिनट रुक जाओ, मैंने अभी ये तय नहीं किया है। मैं कुछ दिन तुम्हें देखूंगी, उसके बाद ये तय करूंगी। तो बेहतर है तुम मेरे साथ ठीक से रहो। बिल्कुल रहूंगा, तुम मुझ पर बेशक नजर रख सकती हो।